और मकर तार का खेल कांगना अलल ध्यान दचा के। अब कांगना खेलते हैं ना, जैसे यहाँ एक मोटा हवान जा रही, सब मोटा हवान जा रहे नाला और कई गांठ ला दें, फिर नो कहेंगे बूढ़े देवर खोल लगा इसने, कांगना खेल रहेंगे ना खुल जा उपरण के फंड हो अग्रगणा लंबा चौड़ा सिस्टम। तो परमात्मा कहते हैं अब मकर तार का खेल कांगना छूट ना जाते हैं, छूट गया वो हर जाएगा। तो उस मकर तार का ऊपर से जब आत्मा यहाँ से चलेगी, परमात्मा कई तरीके से इसको कहीं किसी स्थान पर किस तरीके से आपने जाना है, तो आप कभी कई बार एक बार एक आध बार कभी ध्यान वैसे ही कुदरती लग जाता है, बैठ जाते हैं, कभी आंखें खुली है तो भी बंद हो जाती हैं, और कई बार ऐसा होगा कि एक मकड़ी के तार जैसा आपको लंबा स्ट्रेट बहुत, उसका कोई और छोर आप नहीं देख सकोगे, ऐसा तार सा नजर आएगा, उसको मकर तार कहते हैं। उसके साथ लग के आत्मा जैसे मकड़ी उस तार को पकड़कर ऊपर चढ़ जाती है, ऐसे वो मकर तार का आपको दिखाई देगा जब चलेगी यहाँ से आत्मा संसार छोड़कर, तो एक मकर तार का मार्ग आपको मिलेगा, उसके साथ चलना, उसको छोड़ना नहीं, उधर नहीं जाना, नहीं तो मार खा जाएगी। तो ऐसे ही वो कांगना खेलते हैं, जब दोनों और दाव लगा देते हैं, तू खोल गया तो तू हार गया हार गई, तो ऐसे अपने अपनी जबरदस्ती से उसको पकड़ लेना है उस मकर तार के, उस मकर तार को, मकर तार माने मकड़ी का तार। ऐसा एक रास्ते में आपको ये गाइडलाइन होगी कि इसके साथ साथ चल, भ्रमित ना होना, सतलोक जाने के लिए वो कुछ समय कुछ स्थान तक मकरतार है, उसके बाद फिर परमात्मा का अलग से मार्ग है। सुरत नृत्य है डोली तेरी, बैठ सुन शिखर में जाके, मकरतार का खेल कांगना अल्लल ध्यान दचाके। एक एक वाणी का आधा हिस्सा भी इतना जबरदस्त भर रखा भगवान ने। अब अलल पंख, अलल ध्यान दचाके, एक अलल पक्षी होता है उसको अनल भी बोलते हैं, अनल, अनल माने वायु, यानी वो आकाश वायु में ही रहता है, ऊपर लिसत ऊपर नीचे नहीं आता, वो अंडे भी ऊपर ही दे देती है वो अलल पक्षी मादा, और उन अंडों को हवा में छोड़ देती है, और ऐसे स्थान पर अंडे देती है पैदा करती है कि नीचे केले के बन हो, केले के बन, तो कीड़े कैसे फंसे रहा कर कीड़े के बना बनो आपस में बहुत लंबे लंबे बढ़ जाते हैं, तो वहाँ आकाश से वो अलल पक्षी बहुत लंबा चौड़ा होता है, वो कम से कम भी सैकड़ों फुट लंबा और 50 फुट की चौड़ाई होती है, इतने बड़े बड़े पर होते हैं उसके, बहुत ज़बरदस्त लोहे के तौ की तरह, और पंजे होते हैं जैसे नो चमटे की तरह खुर जैसे, बहुत ज़बरदस्त नाकुल्ले, बहुत मजबूत, और 4 पैर होते हैं उसके, पक्षी होता, तो वहां से अंडे छोड़ देती है भगवान हवाला है, अंडे नीचे आते हैं हवा की गर्षण से वो परवरिश को यानी वो पक जाते हैं, और केले के अच्छे भारा भारा अंडे होते हैं वो दो दो दड़ी के, और ऊपर तो एक एक दड़ी के यानी 5-5 किलो के, और ऊपर तो आते ही वो केलों के पत्तों पर आकर गिरते हैं, उन केलों को तोड़ते हुए स्पीड से नीचे आते हैं, तो केलों पर गिरने से, उन केले पर गिरने से उन पेड़ों पर, तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, और तो केले को तोड़ता हुआ वो आसानी से आकर नीचे पड़ता है और पड़ के फूट जाता है, उसमें से बच्चा निकल जाता है, वो बच्चा वहाँ फिर उस वन में घूमता है, फिरता है, चारा चरता है, और फिर कुछ दिनों में वो उड़ने लग जाता है, यानी परिपक्व हो जाता है, वो प्रफुल्लित हो जाता है, और वो उड़कर देखता है, काफ़ी दूर तक उड़ता है, फिर वापस आ जाता है, 1-2 साल तक वही रहता उस वन में, उन पक्षियों के साथ भी घूमता, अपने मित्रों के साथ जो दूसरे पक्षी होते हैं, अन्य जीव जंतुओं के साथ भी घूमता है, लेकिन उनमें उसकी मित्रता नहीं रहती है, क्योंकि उसको पता होता है कि मेरे माता पिता ऊपर हैं, यहाँ नहीं है। पुणात्मा ये बहुत ही उत्तम ज्ञान है और छुपा हुआ ज्ञान था, ये तत्व ज्ञान है, इसको समझाने के लिए बहुत से उदाहरण आपके समक्ष पेश करने पड़ते हैं ताकि आत्मा अपने परमात्मा की तरफ आकर्षित हो जाए।
आपने कैसे रहना इस संसार में, ये अलल पक्ष पंखी के अलग अलल पक्षी के बच्चों की तरह। अब वो यहाँ आए, यहाँ आसपास उस वन में पक्षी पशुओं के साथ रह रहे हैं, लेकिन उन एक पल भी वहाँ जाने को नहीं बोलते कि एक बार हम उड़न जोगे हो जावा, उसी दिन भाग जावांगे यहाँ से, हम जवान हो जावे तो उसी से में चल पड़ेंगे। तो जब वो युवा हो जाते हैं और खूब उड़ने योग्य हो जाते हैं तो चलते समय कहते हैं पांच हाथियों को वो पक्षी अलल पक्षी ऐसे लटका, क्योंकि उन केड़ों के वन में हाथी के भी झुंड के झुंड होते हैं, वहाँ होते थे पहले समय में, मतलब वन ना रह रहे तो वहाँ झुंड के झुंड हाथी होते हैं, ना एक दूसरे के सट के चाला करें सैकड़ों की संख्या में, कई कई झुंड है, तो वो अलल पक्षी उनके ऊपर झपट्टा मारता है और उसके इतने तेज वो होते हैं डेढ़ डेढ़ फुट के पंजे, और उनको ऐसे फंसा लेता है चारों हाथियों के, चार हाथियों में पांच, और पांचवें ने नोक मुंह के साथ, कहते पांच हाथियों को उठाकर वो अलल पक्षी आकाश में चला जाता है अपने माता पिता के पास, और फिर उनका आहार लेकर जाता है, वो आहार उससे उनसे करते हैं। तो अब आप यहाँ आए हो अलल पक्षी की तरह ध्यान रहे, एक पल भी वो पक्षी का बच्चा अपने माता पिता को नहीं भूलता कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, मेरे तो ऊपर है माता पिता, और जब मैं यहाँ से जब जाने जोगा हो जाऊँगा एक मिनट में चल पड़ूंगा। तो आप उस अलल पक्षी के बच्चे की तरह यहाँ अब तैयार हो, अच्छी खुराक खाओ राम नाम की और मजबूत हो जाओ, और चलते समय इस राम नाम की कमाई लेकर ऊपर चलेंगे। अब कहते हैं अलल ध्यान जचा के वो पक्षी का बच्चा एक पल भी वो यहाँ रह ही नहीं सकता, उसको ये पता होता है, कॉमन सेंस होती है कुदरती कि मेरे माता पिता वहाँ हैं, जिस दिन मैं यहाँ से जान योग्य हो जाऊँगा एक पल नहीं रहूँगा यहाँ पर। तो ऐसे आपने ये हर दिन उस सतलोक में जाने का अलल पक्षी की तरह यूँ ध्यान लगा कर वो जचा कर रखनी है, इसको भूल नहीं पड़ने देना। मकर तार का खेल कांगना अलल ध्यान जचा के और बैठ विश्वास सेज बिछा के, जो शब्द छैल आवे है अपने आत्मा, कहे कबीर सुनो भी साधो मैं तो हूँ विश्वास में, जो क्रिया जो साधना आपको बताई जाती है वो साधना वो है जो सब सदग्रंथों में प्रमाणित है, और वो है जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाया उन्होंने भी यही क्रियाएं की। तो आप एक विश्वास रूपी सेज पे, जैसे दुल्हन होती है अपने पति के इंतजार में वो बैठ जाती है, तो ऐसे ही कहते तू अपना विश्वास रूपी सेज बिछा के इंतजार कर उस परम पिता के आने की। विश्वास तेरी सेज है, यानी तेरा विश्वास है तो मालिक आवेगा, और विश्वास नहीं है तू ही वहां से चला गया कि तो फिर पति कहाँ मिल लेगा। कहने का भाव ये है कि डगमग नहीं होना है, अपना विश्वास दृढ़ रखना, जो बताया गया ये विधि और यही भक्ति आपको परमात्मा मिलाएगी। यानी शब्द छैल का अर्थ है वो अविनाशी परमात्मा, शब्द अर्थ अविनाशी को कहते हैं, अविनाशी परमेश्वर तेरा पति तुझे वहां लेने आएगा, और इस प्रकार हम परमात्मा पाएंगे। बोलो सतगुरुदेव, परम पिता परमेश्वर सर्वसृष्टि रजनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहब अल्लाहु अकबर, ये वो समर्थ परमेश्वर हैं जो इस प्राणी को काल के जाल से छुटवा सकते हैं, ये वो समर्थ परमेश्वर हैं जिसके विषय में चारों पवित्र वेद